नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अस्ट्रो ज्ञान में। और दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पति पत्नी के बीच अनबन दूर करने के उपाय। हमारे ये उपाय जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। और साथ में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जी तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, इस संसार में हर किसी के घर में पति पत्नी के बीच छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब हद से ज्यादा गुजर जाए तब उस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके घर में पति पत्नी के बीच हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको थोड़ा उस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर बातचीत से हल ना निकले, तब आप हमारे द्वारा जो टोटके बताए जाएंगे उनका प्रयोग कर आसानी से अपने बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा कम यानी कि दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं कौन से वे उपाय हैं जिनका प्रयोग कर आप आसानी से इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि एक लौंग लेना है और तीन इलायची, उसके साथ आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उसे पीस लेना है। पीसने के बाद अब उसको अपने हाथ में ले लेना, मुट्ठी बंद कर हमारे द्वारा जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है आपने उसका जाप करना है। यह जाप आपने 51 बार करना है और इस विधि को आपने 3 दिन तक अपनाना है। अब तीनों दिन का जो मिश्रण जो पीसा हुआ आपने लिया हुआ है उसको अब आग में हवाले करना है। आग में डालते हुए हमारे मंत्र का जाप 51 बार करना है और साथ में वो बुरादा उसके अंदर गिराए जाना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके कपल जोड़े के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिससे आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अंत में बताना चाहूंगा, अगर आप इन लड़ाई झगड़ों पर सोच विचार नहीं करते हैं तब आप बाद में पछताते हैं। अगर आप पहले ही समझ जाएं तो दोस्तों आप इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर टोटका करते समय कहीं पर कोई परेशानी गड़बड़ होती है तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी कि कैसे कौन सी विधि अपनानी है। कुछ और भी टोटके हैं जिनको आप पूछ सकते हैं हमारे पंडित जी से। तो ये कह के इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद, नमस्कार।